नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर जालौन से है जहां स्वामी विवेकानंद जयंती पर जिला अस्पताल में रक्तदान दाताओं ने ब्लड डोनेट किया। तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोगों ने रक्तदान दिया और लोगों को संदेश दिया कि रक्तदान महादान है। बता दें कि भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर जालौन जिले के इनरव्हील क्लब की ओर से रक्तदाताओं ने जिला अस्पताल में रक्तदान किया और लोगों को संदेश दिया कि रक्तदान से किसी की जान बच सकती है तो यह सबसे बड़ा दान है। समय समय पर लोगों को रक्तदान करते रहना चाहिए। इस मौके पर अलीम सर, ममता सोनकर, लक्ष्मण दास भवानी, संतोष प्रजापति आदि लोग मौजूद थे। हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हमारे खून से किसी की जान बचती है तो बहुत अच्छा लगेगा। हम अपने घर में थे, ऐसी अचानक एक भैया गए लुआ लिया हमको। द्विवेदी है, हम सत्यनारायण मंदिर जो भैया है उसके बारे में हम 3 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। एक बार, 2 बार दिल्ली में किया है, 1 बार यहाँ पर किया, अभी कर रहे हैं। कहूँगी कि आज के युवा दिवस के अवसर पर जो हमारी बहनें और भाई लोग आगे बढ़ के आए हैं तो एक एक यूनिट खून जो होती है वो 4 लोगों को मदद कर सकती है ज़िंदगी के लिए। तो हर बूंद जिंदगी की बहुत आवश्यक है। तो हम चाहेंगे कि सब आगे बढ़ के आए और समाज को एक वो दे कि खून देने से जो भ्रांति फैली हुई है कि खून देने से कमजोरी आती है, इस तरह का कुछ नहीं है। आप अपने को स्वस्थ ही महसूस करेंगे। धन्यवाद। जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया गया और जहां इनर व्हील की बहनों ने रक्त कणिका फाउंडेशन और नेशनल शिक्षा प्रसार समिति, एक्टिव वेलफेयर और तमाम संस्थाओं ने मिलकर रक्तदान किया। अभी तक हम लोग 21 लोगों ने रक्तदान किया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें ईटी न्यूज़ भारत।